दोस्तों नमस्कार। नल जल कौन चलाएगा? बिहार सरकार का जन संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है। प्रत्येक प्रखंड स्तर पर डीएम साहब के माध्यम से जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी उस जन संवाद कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। उस जन संवाद कार्यक्रम में जितने भी ग्रसित लोग हैं, किसी किसी अपनी अपनी समस्या से सारी समस्या को लेकर के वहां जा रहा है और पूछताछ कर रहा है, बात कर रहा है। इसी सिलसिले पर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि मेरा जिला का, मेरे प्रखंड में भी जन संवाद कार्यक्रम लगा था और उसमें जो प्रखंड के जेई है और जो पीएचडी के जेई है, उन लोगों से जो बातचीत हुआ है, वह बातचीत आप लोगों को इस वीडियो में सुनाऊंगा कि नलजल पर पीएचडी के वीडियो, पीएचडी के जो जेई साहब है और पंचायती विभाग के जो जेई है, उन्होंने नलजल पर क्या बोले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ध्यान में रखिए कि आपके क्षेत्र में कहीं भी जन संवाद कार्यक्रम लग रहा है, जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जितने भी नल जल के ग्रसित भूमिदाता अनुरक्षक है, सभी लोग उस जन संवाद में पहुंचिए। आपके प्रखंड में हो, चाहे आपके प्रखंड के आसपास के प्रखंड में हो, कहीं भी हो, जैसे ही जानकारी मिलता है कि आपके इलाका में कहीं भी जन संवाद कार्यक्रम होने वाला है, पेपर के माध्यम से मालूम हो जाएगा, जैसे तैसे भी मालूम हो जाए, जब मालूम हो जाएगा तो आप वहां जरूर पहुंचिए। और वहां पहुंच करके और आप अपना मोबाइल निकालिए और एक आदमी को दे दीजिए कैमरा करने के लिए, और आप जय साहब से बात कीजिए। पीएचडी विभाग के जो भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या पंचायती विभाग के जो भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वहां आप बाई कैमरा खोल करके एक आदमी को आप मोबाइल दे दीजिए और आप सवाल कीजिए और पूछिए कि यह जो झगड़ा चल रहा है नल जल को लेकर के पंचायत में, आप बता दीजिए कि नल जल कौन चलाएगा। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, सिर्फ इतना पूछना है कि नल जल कौन चलाएगा, इतना बता दीजिए। यही सवाल हमारे संवाददाता राजेश कुमार जी ने किए, तो चलिए मैं बताता हूं और आप लोगों को सुनाता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम में पंचायती विभाग के जय साहब और पीएचडी विभाग के जय साहब क्या कह रहे हैं। यही पूछा जा रहा है कि नल जल कौन चलाएगा, तो क्या बोल रहे हैं, चलिए सुनते हैं उनकी बातों को। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने अपने फेसबुक पर भी इस वीडियो को डालिए, और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपके इलाका में जब भी कहीं जन संवाद कार्यक्रम लगता हो तो वहां सवाल कीजिए कैमरा निकाल करके और कैमरा पर बात कीजिए। अगर इस तरह से अगर आप लोग करेंगे तो सारी समस्या का समाधान यही समाप्त हो जाएगा, और जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो को मेरे पास व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, और आप लोग भी अपने अपने फेसबुक पर उस वीडियो को जरूर डालें ताकि पूरे बिहार की झगड़ा झंझट समाप्त हो जाए। तो चलिए सुनते हैं जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला में मोतीपुर प्रखंड में जो जन संवाद कार्यक्रम हुआ है, वहां के जेई, पीएचडी विभाग के जेई और पंचायती विभाग के जेई क्या कह रहे हैं, चलिए सुनिए। ये जो नल जल योजना पूरे बिहार में जो सुचारू रूप से चल रहा है, ये नल जल योजना कहीं बंद पड़ा हुआ है, कहीं चल रहा है, कहीं अनुरक्षक चला रहा है, कहीं वार्ड सदस्य चला रहा है,
तो वास्तविक किसको चलाना है आपको पता है? वास्तविक तो अनुरक्षा, अभी हम लोग पीएचडी में दे चुके हैं, हैंड ओवर कर दिए पीएचडी वाले सर को। पीएचडी वाले सर बोले जिसका जमीन है पहले उसकी मान्यता होगा, जिसका जमीन है वो पानी चलाएंगे, अगर वो उस लायक नहीं है तो फिर वार्ड में बने तो वार्ड सचिव। कुछ वार्ड सदस्य का यह कहना है कि हम नया जीत के आए हैं तो इस पर अधिकार मेरा होगा। नया जीत के लेकिन पैसा तो पुराने वाले के नाम से आया है। नल जल योजना शुरू में जिसका नाम गया तो पहले तो उसी की मान्यता प्राप्त है, मतलब आप नए हैं, पैसा तो आपके नाम से नहीं आया, पैसा तो उनके नाम से आया, तो काम कौन करेगा? जहाँ नल जल योजना अभी तक अधूरा है उसका काम कौन कराएगा और कैसे होगा? पीएचडी वाले सर कराएंगे टेंडर से। इसका टेंडर पीएचडी वालों को दे दिया गया है, हैंड ओवर हो गया जी। तो ये नल जल योजना जो है ये अनुरक्षक कहता है या भूमिदाता कोई है तो कहता है कि हमारे जमीन में है तो हम किसी को चलाने नहीं देंगे, इसका समाधान का रास्ता बताएंगे? इसका तो सर समाधान करेंगे पीएचडी वाले सर, अब ये तो सर ही समझेंगे कैसे समाधान होगी। हाँ चांस है कि वही जो जमीन है चाहे मिलजुल के चलाए, हम लोग को पानी से मतलब है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते। आपका परिचय? जी हम पंचायती राज विभाग के जय हुए। हमारे साथ और जय साहब हैं, इनसे बात करेंगे कि नल जल योजना तो बिहार सरकार की बहुत बढ़िया योजना थी लेकिन योजना सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, क्या कारण है? अब हम लोग पंचायती राज से पीएचडी में हैंड ओवर ले लिए हैं और उसको दो भाग में, एक मेजर और एक साधारण भाग में बांट करके, साधारण में हम लोग जैसे मोटर जल गया, स्टार्टर जल गया या फिर लीकेज को बनाना शुरू कर दिए हैं, चालू करना शुरू कर दिए हैं, और जो मेजर गड़बड़ी है जैसे आधा अधूरा रह गया या मोटर फेल हो गया, यदि मैंने ट्यूबवेल फेल हो गया या टंकी फट गया तो उसका एस्टिमेट सरकार को दे चुके हैं, फंड आ रहा है और आ भी गया है, हम लोग तत्क्षण जो है एक महीने में चालू कर देंगे पूर्ण रूप में। कनिया मिलता है